आज मैं लाई हूँ अनदर छठ पर्व वाली मेरी रेसिपी, जिसका नाम है चिकन चाइनीज कटलेट। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है दोस्तों, और आई एम श्योर ये आपको पसंद आने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं इस अमेजिंग चिकन चाइनीज कटलेट को सीखने के लिए। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तुरंत ही कर लीजिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत टू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन ऑल माय यम्मी टेस्टी रेसिपीज। तो चलिए बढ़ते हैं चिकन चाइनीज कटलेट को सीखने के लिए मेरी किचन की तरफ। तो दोस्तों, ये यम्मी चिकन चाइनीज कटलेट बनाने के लिए मैंने लिए है कुछ वेजिटेबल्स। मैंने लिया है कैप्सिकम कट करके बारीक, ग्रेट किया हुआ कैरेट, थोड़े से कॉर्न, थोड़ा सा कैबेज, और ये है स्प्रिंग अनियन का ग्रीन। ठीक है, अब साथ ही साथ मैंने लिया है आधा किलो चिकन। चिकन को मैंने बोनलेस ही लाया था दुकान से, पर मुझे चाहिए था और थोड़ा बारीक ताकि कटलेट और थोड़े फाइन और अच्छे से हो, तो मैंने इसको मिक्सर में एक दो बार घुमा दिया है। तो देखिए कितना मलिन और एकदम फाइन हो गया है। ठीक है, अब ये डालूंगी मैं सीधा इस वेजिटेबल के साथ में। इसके साथ में कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स भी मैं डालते जाऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों, बहुत ही फटाफट बनती है, जैसे मैंने आपको कहा झटपट मेरे टाइप की रेसिपी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है, ये ब्लैक पेपर पाउडर मैंने घर पे बनाया, अक्सर मैं सब कुछ घर पर ही बनाती हूँ। आप चाहिए तो मार्केट वाला ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने आधा चम्मच इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दिया है। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है ना, आधा किलो खीमे का हम बना रहे हैं। और पेपर पाउडर के बाद में मैं डाल रही हूँ ऐसे आधा चम्मच ये चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स मैं थोड़ा आधा चम्मच ही क्यों डाल रही हूँ दोस्तों, बिकॉज ये जो चिली फ्लेक्स है मैंने घर पर ही बनाया और थोड़ा तेज है। ठीक है, इसीलिए आप और तेज खाना पसंद करते तो और डालिए। आधा चम्मच रेड चिली सॉस मैंने चिंग्स कंपनी का लिया है, आप चाहिए वो कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। ओके, फिर मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है डार्क सोया सॉस। ठीक है, एक चम्मच मैंने सोया सॉस ले लिया है। अब जैसे ये सॉसेज में बहुत सारा मतलब ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक आप एकदम हिसाब से डालिए, टेस्ट के हिसाब से। जैसे रमजान चल रहे हैं आप एक्चुअली टेस्ट नहीं कर सकते, बट मेरे अंदाजे के हिसाब से आधा चम्मच नमक काफी है। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिए हैं ये तीन ब्रेड के स्लाइसेस दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसको भी इसके अंदर डाल देने वाली हूँ ताकि ये इसका बाइंडिंग जो है बहुत अच्छे से हो जाए। अब मैंने प्लेट में थोड़ा पानी लिया है। ठीक है, अब ये क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे भिगा दिया मैंने इसको, और मैं सीधा इसको ऐसे निचोड़ कर ये ब्रेड इसके अंदर डाल देने वाली हूँ। ठीक है, ऐसे ही करके मुझे सारे तीनों स्लाइसेस को फटाफट निचोड़ कर इसमें डाल देने हैं। ठीक है, हम सिर्फ ये अच्छे बाइंडिंग के लिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, डन। अब साथ ही साथ मुझे इसके अंदर डालना है एग। अब मैं डाल रही हूं ये एक अंडा और ये दूसरा अंडा। ओके, अब कुछ नहीं, इसको फटाफट आप मिला लीजिए। ओके, एक साथ एक जान कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको मिलाना है दोस्तों। ठीक है, अब जब ये पूरी तरह मिल जाए तो मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये कीमे को अच्छे से मिला लिया है। अब मैंने एक कटलेट ऑलरेडी बनाया है, इसे मैंने कैसे बनाया मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा हाथ में आप ये मिक्सचर लीजिए। ठीक है, बस इसको जैसे हम कटलेट बनाते हैं वैसे डैप कीजिए हाथों पर। ठीक है, यहाँ मैंने मैदा लिया है, मैदे के अंदर इसे डाल दीजिए। ऊपर से कोट करने के लिए आप मैदा फिर से डाल दीजिए, इसे निकाल लीजिए, और जो भी एक्सेस मैदा है उसको झाड़ते हुए आप इसको सिर्फ डैप करते जाइए ऐसे। ठीक है, अपना कटलेट हो गया रेडी। ओके,
अब जब तेल गरम हो जाए इसमें सारे कटलेट्स आपको ऐसे ही बना के फटाफट फ्राई करके लेने हैं। तेल गरम हो गया है, मैं सारे कटलेट्स एक-एक करके फ्राई कर रही हूँ। दोस्तों मैंने एक साइड को अच्छे से 4 से 5 मिनट तक मीडियम गैस पे फ्राई कर लिया है। अब नेक्स्ट साइड को भी मुझे अच्छे से फ्राई करना है। चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो अब दूसरे साइड से भी मुझे अच्छे से 4 या 5 मिनट तक इसको फ्राई करके लेना है। ओके, तो दोस्तों मैंने अच्छी तरह दोनों साइड से ये कटलेट फ्राई कर ली हूँ। देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं टिश्यू पेपर के ऊपर ऐसे ही करके सारे कटलेट निकाल के ले लूँगी। ओके, तो बन गए आपके चिकन चाइनीज कटलेट। इसकी प्लेटिंग करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों कितने फैंटास्टिक लग रहे हैं हमारे चिकन चाइनीज कटलेट। बहुत ही झटपट बनते हैं हाँ, ये देखिए ना आपने। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आई एम श्योर आपके घर में सबको पसंद आने वाला है ये। ठीक है, अब ये कैसे दिखता है मैं आपको एक कटलेट ऐसे तोड़कर बताती हूँ। जस्ट लुक एट इट, सारा चिकन देखिए कितने खूबसूरती से कुक हो गया है और ये बहुत ही डिलीशियस ये एक रेसिपी है जो आप कभी भी बना सकते हैं। नॉट ओनली फॉर रमज़ान बट कभी भी बना सकते हैं। जब भी आप चाहते हैं कुछ फटाफट बना के अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये कटलेट आपकी काम की चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही फैंटास्टिक झटपट मज़ेदार चटपटी रेसिपी लेकर मैं आती रहूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बट आप भूलिएगा मत, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तुरंत ही कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।